गुड मॉर्निंग बच्चों, इस वीडियो में मैं क्लास को चैप्टर थर्ड एक्सप्लेन करूंगी, ग्रामर का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए आप पहले ये समझिए कि सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट इज द वर्ड दैट रिफर्स टू द पर्सन और थिंग्स दैट डज द एक्शन। यानी सब्जेक्ट जो होता है वो उस थिंग या उस पर्सन के बारे में बताता है जो एक्शन करता है, यानी जो हमारे सेंटेंस में काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं, द टीचर टीचेस अस, टीचर हमको पढ़ाती है, तो इसमें काम कौन कर रहा है? टीचर। यानी सेंटेंस किस पर बेस्ड है? सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? टीचर की। तो टीचर क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट। गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां एक गाना गा रही हैं, तो इसमें बात किसकी हो रही है? गर्ल्स की। यानी एक्शन जो है वो लड़कियों के द्वारा किया जा रहा है, तो जो लड़कियां हैं वो सब्जेक्ट हो जाएंगी। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है या फिर जो बोल रहा है वो सब्जेक्ट है। अब जो एक्शन उसके सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि जो काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है या सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही जा रही है, तो वो होता है प्रेडिकेट। जैसे देखिए, द टीचर टीचेस अस, तो टीचर, द टीचर तो हो गए हमारे सब्जेक्ट, क्योंकि वो काम कर रही है सेंटेंस के अंदर। अब टीचेस अस हो गया हमारा प्रेडिकेट। गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो गर्ल्स हो गया सब्जेक्ट, आर सिंगिंग अ सॉन्ग हो गया प्रेडिकेट। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट वाले में टीचर्स अस सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, आर सिंगिंग अ सॉन्ग यहाँ पर प्रेडिकेट है। तो आप अपनी बुक को और अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप इसकी जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। तो आप उनको फिल कीजिएगा, जब हम उसकी पिक सेंड करेंगे तो आप उसको टैली कर लीजिएगा, और ये सारा काम सॉरी जो एक्सरसाइज का काम होगा वो टैली करने के बाद आपको अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।